कारण तो बहुत मिलेंगे रास्ते से भटकने के लिए, लेकिन एक संकल्प ही मंजिल तक ले जाने के लिए काफ़ी है। इसी विचार के साथ मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के करंट अफेयर के क्लास में। वीडियो शुरू करने से पहले इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें। शुरू करते हैं हमारे प्रीवियस डे के क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन था, हु अमंग द फॉलोइंग हैज एग्रीड टू स्पेंड 6 बिलियन टू सॉल्व वर्ल्ड हंगर इफ द यूएन शेयर्स स्पेंडिंग प्लान। यदि संयुक्त राष्ट्र एक व्यय योजना साझा करता है तो निम्नलिखित में से किसने विश्व भूख को हल करने के लिए 6 बिलियन खर्च करने पर सहमति व्यक्त की है। हमारे ऑप्शन है जेफ बेजोस, बिल गेट्स, एलोन मस्क, मार्क जुकरबर्ग। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी एलोन मस्क। SpaceX और टेस्ला के CEO एलोन मस्क ने 31 अक्टूबर 2021 को कहा कि वह कुछ टेस्ला स्टॉक बेचने के लिए तैयार हैं यदि विश्व खाद्य कार्यक्रम एक योजना साझा करता है कि कुल संपत्ति का 2% जो 6 बिलियन है विश्व की भूख को कैसे हल कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, द गंगा उत्सव 2021 द रिवर फेस्टिवल इज विच एडिशन ऑफ द एनुअल गंगा फेस्टिवल। गंगा उत्सव 2021 द रिवर फेस्टिवल वार्षिक गंगा उत्सव का कौन सा संस्करण है। हमारे ऑप्शन है फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, सिक्स्थ। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए फिफ्थ। 3 दिवसीय गंगा उत्सव का 5वां संस्करण वर्चुअल प्रारूप में 1 नवंबर से 3 नवंबर 2021 तक आयोजित किया गया है। गंगा उत्सव 2021 द रिवर फेस्टिवल न केवल गंगा नदी की महिमा का जश्न मनाएगा बल्कि देश की सभी नदियों को नदी उत्सव यानी नदी महोत्सव के उत्सव को बढ़ावा देने के लिए मनाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द इंडियन नेवी फ्रिगेट तुशिल हैज़ रिसेंटली बीन लॉन्च्ड इन विच कंट्री। हाल ही में भारतीय नौसेना के युद्धपोत तुशील को किस देश में लॉन्च किया गया है। हमारे ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट, इजराइल, रशिया, जापान। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी रशिया। 1135.6 वर्ग के 7वें भारतीय नौसेना फ्रिगेट को 28 अक्टूबर 2021 को रूस के कालिनीग्राद में यंत्र शिपयार्ड में लॉन्च किया गया। जहाज को औपचारिक रूप से तुशील नाम दिया गया है जो एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है रक्षक ढाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द G20 समिट 2021 वॉज विच एडिशन ऑफ द एनुअल इवेंट। G20 शिखर सम्मेलन 2021 वार्षिक आयोजन का कौन सा संस्करण था। हमारे ऑप्शन है 14th, 18th, 20th, 16th। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 16th। यह G20 समूह का 16वीं बैठक थी। बैठक इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी की अध्यक्षता में हुई। अगला क्वेश्चन है, विच वर्ल्ड हैज़ बीन चूजन एज द वर्ल्ड्स ऑफ द ईयर 2021 बाय ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। हमारे ऑप्शन है ओरल, जैब, इम्यूनिटी, वैक्स। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी वैक्स। ऑक्सफोर्ड के द्वारा 2021 में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा वैक्स को वर्ष के शब्द के रूप में चुना गया है। वैक्स लैटिन शब्द वेका से लिया गया है जिसका अर्थ है गाय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री हैज़ नेम इट्स नेटिव लॉन्ग टेल्ड बैट एज द बर्ड ऑफ द ईयर 2021। किस देश ने अपनी देसी लंबी पूछ वाले चमगादड़ को बर्ड ऑफ द ईयर 2021 का नाम दिया है। हमारे ऑप्शन है स्वीडन, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। गंभीर रूप से संकटग्रस्त न्यूजीलैंड की लंबी पूछ वाले चमगादड़ को वर्ष 2021 के न्यूजीलैंड बर्ड ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एलन डेविडसन Who has passed away recently was the cricket all-rounder of which country? एलन डेविडसन जिनका हाल ही में निधन हो गया किस देश के क्रिकेट ऑलराउंडर थे। हमारे ऑप्शन है इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियाई और न्यू साउथ वेल्स क्रिकेट के ऑलराउंडर एलन डेविडसन को 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, नीदरलैंड्स बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म KPMG हैज़ रोप्ड इन विथ होम एज द CEO ऑफ इट्स KPMG इंडिया डिवीज़न। नीदरलैंड स्थित वित्तीय सेवा फर्म के पी
पीएमजी ने अपने केपीएमजी इंडिया डिवीज़न के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो हमारे ऑप्शन है येजदी नागपुरवाला, अर्जुन वैद्यनाथन, नितिन एट्रोली, अरुण कुमार। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए येजदी नागपुरवाला। वित्तीय सेवा फर्म केपीएमजी ने भारत की डिवीज़न के लिए नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में वरिष्ठ भागीदारी येजदी नागपुरवाला की नियुक्ति की घोषणा की। चलिए देखते हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे को जो है, इन द प्रेजेंट टाइम विच कंपनी इज़ द मोस्ट वैल्यूबल पब्लिकली ट्रेड कंपनी बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन इन द वर्ल्ड। वर्तमान समय में बाजार पूंजीकरण के हिसाब से दुनिया में सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी कौन सी है? हमारे ऑप्शन है सऊदी अरामको, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहे हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। जिन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर सही दिया, वेल डन, कीप डूइंग, ऐसे ही आंसर देते रहिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें। थैंक यू।